ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप पीछे देख ही रहे होंगे, रेलवे हमने लिखा है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, वो बात करेंगे कि रेलवे का कैसे विकास हुआ, रेलवे के अंदर कैसे कैसे परिवर्तन आए। शुरुआत से बात करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग उससे, जैसे हम बात हिस्ट्री इतिहास पर जाते हैं सबसे पहले कि रेलवे ने कैसे कैसे दौर भी देखे हैं। अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले, अगर हम बात करें सबसे पहले 1604 के अंदर, सबसे पहले सन 1604 में इंग्लैंड में, सन 1604 इंग्लैंड में ट्रेन की परिकल्पना की गई, ट्रेन की परिकल्पना की गई। और ये जो ट्रेन की परिकल्पना थी, ये कैसी परिकल्पना थी? शुरुआत में जब क्या हुआ करता था, ट्रेन नुमा जो आज की हम पटरी देखते हैं, उसी की शक्ल में लगभग तैयार की गई पटरियां बिछाई गई थी। और इन पटरियों पर जो ट्रेन की ही भांति थी, इन पर डिब्बों की रचना की गई, जो आज के डिब्बों से लगभग मिलते जुलते ही डिब्बे थे। और इन डिब्बों को क्यों बनाया गया था? इन डिब्बों को इसलिए बनाया गया था ताकि कम से कम समय में ज़्यादा भार ये ढो सके, ज़्यादा भार का वहन कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भार को ज़्यादा इधर से उधर किया जा सके। इसी के उद्देश्य के साथ डिब्बों की शक्ल में तैयार इनको आज के जो हमें ट्रेन देखते हैं, और इनको जो खींचने का काम किया गया था, वो पशु द्वारा खींचा गया था, किसी एनिमल द्वारा, घोड़े या बैल की मदद से, इसे घोड़े या बैल की मदद से इन ट्रेन नुमा डिब्बों को खींचा गया। तो हम सबसे पहले हमने जाना कि 1604 में इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले ट्रेन की परिकल्पना की गई थी। इंग्लैंड का भी एक शहर था स्टॉकटन, जहां पर क्या हुआ करता था, खदानें थी, खदानों में काम करने वाले जो कर्मचारी थे, वो ज़्यादा जो भार था एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इस प्रकार से परिकल्पना की गई थी। इसके बाद रेलवे का जो विकास है, वो कुछ समय के लिए रुक जाता है, लगभग 100 से 200 साल तक ऐसे ही रेलवे को गुजारने पड़ते हैं, और रेलवे अपने विकास पर आगे बढ़ती है। और सन आता है 1814। इस 1814 के अंदर आपको पता होगा जॉर्ज स्टीफन क्या करते हैं, एक स्टीम भाप के इंजन का आविष्कार करते हैं। जॉर्ज स्टीफन भाप के इंजन का आविष्कार करते हैं, और ये भाप का इंजन रेलवे के लिए बड़ा ही क्रांतिकारी कदम साबित होता है। लेकिन वहाँ कहते हैं ना, समस्या आ जाती है, और जब समस्या आती है तो बहुत सारे अपने साथ परेशानियाँ लेके चलती है वो। तो जॉर्ज जो स्टीफन ने इंजन तो बना दिया था, लेकिन ये भाप का इंजन काम नहीं कर पाया, और रेलवे के भार को ढो नहीं पाया, रेलवे को खींच नहीं पाया। इसके बाद में जो रिचर्ड थे, रिचर्ड क्या करते हैं, रिचर्ड ही वो व्यक्ति थे, इन्हीं के द्वारा बनाए गए इंजन ने ही रेलवे को खींचा था। इसके बाद आगे चलते हैं, और वही सन आ जाता है, और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो यहीं से भी क्वेश्चन भी बन जाता है। और रेलवे सबसे पहले, अगर हम बात करें अपना चरमोस्त, अपना विकास सबसे पहले वो देखती है, यदि उसका जो परिवर्तन है, सबसे बड़ा परिवर्तन आता है 1824-25 के अंदर, जब इंग्लैंड में ही 1824-25 में इंग्लैंड में ही, और जगह का नाम था डार्लिंगटन टू स्टॉकटन के मध्य ये रेल चली थी। और अगर हम बात करें दूरी की, तो दूरी इसने कुल 37 मील की दूरी तय की थी। अगर हम बात करें इस ट्रेन की,
तो गति इसकी अगर हम बात करें 14 मील प्रति घंटा इसकी गति थी। और यह इसमें अगर हम बात करें कितने यात्रियों को लेकर गई थी, तो इसके अंदर कुल 38 डिब्बों की ये ट्रेन थी, जिसके अंदर 600 यात्री अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाए गए थे। और यहां से क्वेश्चन बनता है, विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो आपका आंसर होगा 1824-1825 के अंदर। अगर बात करें वो पूछता है किस जगह पर चली थी, तो आपका आंसर होगा इंग्लैंड के अंदर चली थी। तो हमने पहले बात की जो शुरुआत में चली थी वो मालगाड़ी थी, क्योंकि उसके अंदर क्या था, भार को ढोया गया था, खदानों से जो खदान कर्मी थे वो भार को ढो रहे थे। अब ये क्या है, देखो दूरी 37 मील और ये 38 डिब्बों में 600 यात्री, एक पैसेंजर ट्रेन है ये, इसने यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया था। इसके बाद ये तो बात हुई विश्व की, अब हम बात करते हैं भारतीय रेलवे का विकास कैसे हुआ, भारतीय रेलवे की कहानी के बारे में बात करते हैं, शुरुआत में भारतीय रेलवे ने कैसा कैसा दौर देखा। तो हमारी जो कहानी, जो रेलवे का विकास है, वो स्टार्ट होता है 1840 से। 1840 के अंदर भारतीय रेलवे की जो कहानी है वो प्रभावित है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय रेलवे की कहानी को प्रभावित करती है। क्यों करती है, क्योंकि जो कपास था, कपास की खेती प्रभावित होती है, नष्ट हो जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। अब कपास की जो खेती संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर प्रभावित होती है, तो उसके लिए जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड के हम उपनिवेश हुआ करते थे उस टाइम पर, हमारे ऊपर जो शासन था वो इंग्लैंड का ही हुआ करता था। तो इंग्लैंड क्या करता है, इंग्लैंड ये देखता है अब हमने क्या करना है, अब हमने भारत के अंदर कनेक्टिविटी के लिए वहाँ से ज़्यादा अगर हम अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा सकें, जितने भी कोयला है और भी जो भी मटेरियल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए अब हमें क्या चाहिए है, अब हमें कि रेलवे का विकास भारत के अंदर करना होगा। और इसी के साथ पहली बार रेलवे के बारे में चर्चा 1840 के अंदर हुई थी। और अगर हम बात करें 1840 के अंदर भारत का गवर्नर जनरल कौन था, 1840 के अंदर भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड ऑकलैंड। ये भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अगर इनका एक बार पूछा गया था लॉर्ड ऑकलैंड का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड क्या था, तो लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक इन्होंने भारत के ये गवर्नर जनरल रहे। इनके काल में, यहाँ से अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं, तो क्वेश्चन आया था एक बार, पूछा गया था प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ, एक तो पूछा गया था कब हुआ, एक पूछा गया था किसके काल में हुआ, क्वेश्चन दो हैं। अब प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ, तो लॉर्ड अगर पूछा जाए प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ, तो 1839 से 1842 के बीच में फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था। अगर पूछा जाए किसके काल में हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुआ। और इसी के काल में क्या हुआ, भारतीय जो रेलवे है, रेलवे क्या हुई, इसी के काल में ही रेलवे ने अपना प्रारंभिक जो शैशव काल था वो शैशव काल इसी में देखा था। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं इसी के बाद में 1842 के अंदर, 1842 में लॉर्ड डलहौजी 1842 में
लॉर्ड डलहौजी सर्वप्रथम विचार व्यक्त करते हैं, सर्वप्रथम विचार व्यक्त करते हैं कि भारत के अंदर क्या हो, भारत के अंदर रेलवे हो, रेलवे की कनेक्टिविटी हो। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी अब तक गवर्नर जनरल नहीं है। इसके बाद 1843 में रेलवे के लिए विभिन्न स्थानों से प्रस्ताव भेजे जाते हैं कि रेलवे भारत के अंदर होनी चाहिए, रेलवे के लिए अलग अलग उससे प्रस्ताव आते हैं। अगर पूछा जाए ये काल किसका चल रहा है जब लॉर्ड डलहौजी विचार व्यक्त करेंगे, तो ये जो भारत के अंदर जो अब काल चल रहा है ये लॉर्ड एलनीब्रो हैं, लॉर्ड एलनीब्रो हैं जो 1842 से 1844 तक थे। इसके ही टाइम पीरियड में सबसे प्रमुख घटना हुई थी 1843 के अंदर, जब हमने 1843 की जो प्रमुख घटना थी, इसी के ही काल में जो रविवार को जो अवकाश घोषित किया जाता है, अरे जो रविवार को छुट्टी होती है वो इसी ने ही की थी, लॉर्ड एलनीब्रो ने। और कब हुई थी पहली बार? 1843 में। कहां भारत की बात हो रही है यहां। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जो रेलवे का विकास है, विकास पहुंच जाता है 1845 में। 1845 वो सन आता है, इसमें दो कंपनियां बनाई गई जिसका नाम था GIPR और EIR, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, इसका पूरा नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। दो कंपनियां स्थापित की गई और इन कंपनियां जो स्थापित की गई, ये एक कंपनी को बनाया गया था कोलकाता के अंदर, जिसे आज हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं। दूसरी जो कंपनी बनी थी वो बनी थी बंबई के अंदर, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। भी कन्फ्यूज नहीं होना है आपने कि ये कोलकाता और कलकत्ता है क्या, ठीक है। इसके बाद में इसका नाम परिवर्तन हो गया था। इसके बाद दो कंपनियां स्थापित हुई और रेलवे के लिए इनके मध्य 1848 के अंदर दो प्रयोगात्मक रेलवे लाइनों का प्रयोग, यानी प्रयोगात्मक रेलवे लाइन का समझौता हुआ दो कंपनियों के मध्य। ये समझौता जो ब्रिटानिया सरकार थी और भारतीय जो उस टाइम था, ब्रिटानिया सरकार और इन दो कंपनियों के मध्य दो प्रयोगात्मक लाइनों का समझौता हुआ। और इसमें इनको बोला गया कि GIPR कोलकाता की साइड रेलवे लाइन बिछाए और EIR ईस्ट इंडिया रेलवे मुंबई की तरफ लाइन बिछाए। तो इसी के क्रम में जब हम आगे चले, अब जो लॉर्ड डलहौजी थे जिसे हम प्रमुख स्थान देते हैं भारतीय रेलवे के अंदर, अब ये अपने सत्ता पक्ष पर आ चुके थे, यानी कि अब ये भारत के गवर्नर जनरल बन चुके थे। एक बात बताइए आप, अगर कोई व्यक्ति सबसे पहले विचार व्यक्त करेगा और उसी के हाथ में क्या आ जाए, पावर आ जाए, तो व्यक्ति जरूर कुछ ना कुछ करेगा। और इसी के काल में ही लॉर्ड डलहौजी रेलवे के विकास की जो रफ्तार थी उसको दोगुना कर देते हैं, यानी अब रेलवे का विकास दोगुना हो जाएगा, अब रेलवे ज़्यादा जल्दी से अपना काम कर पाएगी। और इसी के ही काल में 22 दिसंबर आखिरकार वो दिन आया जब 22 दिसंबर 1851 को भारत के अंदर पहली मालगाड़ी चली थी। क्वेश्चन बन सकता है, भारत के अंदर पहली रेलवे कब चली थी, भारत के अंदर चलने वाली पहली ट्रेन कब चली थी, तो चली थी 22 दिसंबर 1851 को। अगर वो आपसे पूछ लेता है, बात लैंग्वेज का है, शब्दों का खेल है, अगर वो आपसे पूछता है
कि भारत के अंदर मालगाड़ी चली या पैसेंजर ट्रेन चली, बात करेगा मालगाड़ी की तो आपने ये आंसर टिक करना है। अगर वो बात करेगा पैसेंजर ट्रेन की तो इसके बाद चलेगी पैसेंजर ट्रेन, पहले मालगाड़ी। अरे हमने पहले ही बताया, इससे पहले 1604 में मालगाड़ी ही तो चली थी, तब जाके 1824-25 के अंदर पैसेंजर चलेगी, पहले मालगाड़ी ही चलती है हमेशा, पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती है। ठीक है, अब बात मालगाड़ी चली और ये मालगाड़ी किस स्थान से चली, किस स्थान के बीच में, तो स्थान था रुड़की टू हरिद्वार, स्थान था रुड़की टू हरिद्वार। हरिद्वार, अरे हरिद्वार का तो सभी को पता होगा, कौन ऐसा नहीं है जो हरिद्वार ना गया हो। ये इसी के मध्य चली थी। हो सकता है कोई इस लेक्चर को, इस क्लास को कोई यूपीएससी का स्टूडेंट भी देख रहा हो या जनरल नॉलेज के लिए उत्सुकता मन में हो। जब अंदर के विचार उत्सुकता खत्म हो जाती है तो उस मनुष्य का जीवन क्या हो जाता है, एक पशु की भांति हो जाता है। तो उत्सुकता होनी जरूरी है। तो इसके अगर हम बात करें रुड़की टू हरिद्वार, रुड़की टू हरिद्वार में अगर पूछा जाए तो एक गांव था पिरन कल्याण, था क्या आज भी है, पिरन कल्याण के मध्य ये रेल चली थी। अगर आपसे पूछा जाए अगर ये रेल तो चली, क्या जी ये खाली रेल चली थी, अरे ऐसा नहीं है, खाली रेल क्यों चलेगी, तो ये खाली एक कृषि क्या लेके गई थी, तो इसके अंदर मिट्टी थी और इसके अंदर मिट्टी और कंस्ट्रक्शन का सामान किसानों के लिए लेके गई थी। तो आपका यहाँ से डाउट क्लियर हुआ कि भारत की जो पहली रेल थी वो कब चली थी, वो चली थी 22 दिसंबर 1851 को। इसके बाद 1851-1852 के अंदर दो इंजन मंगाए गए थे, एक का नाम था थॉमसन, दूसरे का नाम था लॉर्ड फोकलैंड, ये दो इंजन मंगाए गए थे, लोकोमोटिव स्टीम इंजन थे, समुद्री रास्ते से ये भारत आए थे। और ये इंजन जो थॉमसन था ये जर्नल गेज के लिए था और ये लॉर्ड फोकलैंड था ये ब्रॉड गेज के लिए था। आपने शायद चिर परिचित होंगे कि भारत में तीन टाइप के गेज पाए जाते हैं, फर्स्ट जर्नल गेज, उसके बाद ब्रॉड गेज, नैरो गेज या मीटर गेज, ये तीन टाइप के ही पाए जाते हैं। और आपकी उत्सुकता के लिए और रोचक जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत में जो एक ऐसा स्टेशन भी है जिस पर तीनों टाइप के गेज मिलते हैं, यानी उस पर तीनों प्रकार के गेज मिलते हैं और उसे विश्व विरासत धरोहर के अंदर उसको शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा, और उसका नाम है सिलीगुड़ी जो है। ये स्टेशन ऐसा है जिस पर तीनों टाइप के गेज पाए जाते हैं। तो ये तीनों बात करते हैं, सबसे पहले 51-52 के अंदर ये इंजन भारत में आए। आखिरकार वो पल आया, वो खुशी का दिन आया और था अप्रैल का महीना, जैसे ये अप्रैल का महीना चल रहा है, और डेट थी 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को जंगह थी। जंगह की अगर हम बात करते हैं तो जंगह थी बोरी बंदर, जंगह थी बोरी बंदर टू ठाणे, बोरी बंदर टू ठाणे। अगर हम बात करते हैं अवकाश का दिन था, अवकाश था उस दिन, और उस दिन अवकाश भी स्पेशल होने वाला था, और अवकाश जब स्पेशल था तो बात है 3:30 बजे के बाद, 3 बजे के बाद की बात है। वहाँ का जो गवर्नर थे बोरी बंदर टू ठाणे, मुंबई के जो गवर्नर थे, उन्होंने विशेष गाजे बाजे के साथ विशेष तैयारी करके रखी थी और एक ट्रेन खड़ी थी। ये जो ट्रेन थी, इस ट्रेन में तीन इंजन थे। पहले का नाम था साहिब, दूसरा था सुल्तान, अरे वो दंगल वाला सुल्तान नहीं है, तीसरा था सिंध। ये तीन इंजन
और ये ट्रेन के डिब्बे, 14 डिब्बे थे, इनके साथ एक ट्रेन खड़ी थी और वेट कर रही थी 400 यात्रियों का कि 400 यात्री आए और मैं कब बोरी बंदर से ठाणे पहुंचूं। अब ये कोई ये शिकायत ना कर देना कि इसके अंदर तो जी 14 डिब्बे दिखते ही नहीं हैं, 14 तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, आप दिल की भावना समझिए, 14 के 14 डिब्बे कहाँ से बनाएंगे। तो ठीक है जी, 16 अप्रैल 1853 14 डिब्बों के साथ 400 यात्री और 3 इंजन के साथ ये ट्रेन चलती है दोपहर 3 बजे के बाद और लगभग ये अपनी यात्रा जो तय करती है वो 33.8 या लगभग 34 किलोमीटर की ये दूरी तय करती है और ये पहुंच जाती है ठाणे। और पहुंचने के साथ ही ये भारतीय रेलवे के अंदर अपना स्वर्णिम इतिहास लिख देती है कि भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और इस ट्रेन को नाम भी दिया जाता है, इस ट्रेन को नाम दिया जाता है ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम है। तो अगर किसी को कोई व्यक्ति कोई भी है वो चिढ़ाने के लिए बोलता है ब्लैक ब्यूटी, तो आप दुखी मत होइए। ब्लैक ब्यूटी ऐसा वर्ड है भारतीय रेलवे में जो स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखा गया है कि ब्लैक ब्यूटी है क्या चीज़ें। तो आज की हमारी जो क्लास है हम यही समाप्त करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है हम यही समाप्त है क्योंकि हमने लगभग आपसे हम आशा करते हैं जो आज की हमारी क्लास है इससे आपने कुछ जनरल नॉलेज आपको मिली होगी। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इन 4 पंक्तियों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। ज़िंदगी में जो चीज़ हम चाहते हैं ना, ज़िंदगी में जो चीज़ हम चाहते ना वो आसानी से नहीं मिलती है। ज़िंदगी में आप कोई भी चीज़ चाहो आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन ज़िंदगी का ये सच है, ये ज़िंदगी का ये सच है कि हम वही चीज़ चाहते हैं, हम वही चीज़ चाहते हैं जो आसान होती नहीं है। अरे जो आसान होगी वो हम क्यों चाहेंगे, हम तो वही चीज़ चाहते हैं जो आसान नहीं होती है। इसलिए आप मेहनत कीजिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, क्लास अच्छी है बुरी है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, थैंक यू।